सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गौतम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमाचली राइडर। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ब्रेकिंग सिस्टम मतलब कि मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रेक जो है वो बाइक और स्कूटी की आपने कैसे जो है वो यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सीडेंट हैं वो ब्रेक्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि ब्रेक्स जो हैं वो टाइम पर लगाने नहीं आती। ठीक है, बहुत से लोग जो बोलते हैं कि हमने ब्रेक को प्रेस किया लेकिन ब्रेक जो है वो गाड़ी ने पकड़ी ही नहीं, स्कूटर ने पकड़ी ही नहीं। तो आज मैं आपको ये सारे जितने भी मिथ बने हुए हैं ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर वो बताऊंगा कि आपने ब्रेक को प्रेस किया तो क्यों नहीं ब्रेक लगी, या ब्रेक लगी तो क्या रीज़न था कि ब्रेक जो है कम लगी और आपका एक्सीडेंट जो है वो हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ जो है वो नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है, वो है डिस्क पैड। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो नीचे दोस्तों। सबसे पहले तो आपने इन डिस्क पैड को देखना है कि ये घिसे तो नहीं है। अगर ये घिस गए हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपकी डिस्क है वो जो है वो काम करेगी नहीं ढंग से, ठीक है, और ये बहुत जल्दी जो पतली पड़ जाएगी। दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि डिस्क को आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको फिंगर्स बताऊंगा कि कैसे जो है आपने लगानी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, कभी भी आपने डिस्क को सिंगल फिंगर के साथ यूज़ नहीं करना है, ऐसे आप बिल्कुल भी ना करें। वैसे अक्सर मैं ऐसा ही करता हूँ लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो इसका राइट वे है वो है दो फिंगर्स के साथ, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल फिंगर आप यूज़ करते हैं तो जब पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी तो सिंगल फिंगर जो है वो काम नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी एज कंपेयर टू दो फिंगर्स। ठीक है, और अगर आप पूरा हैंड जो है यूज़ करते हैं तब भी जो है डिस्क जो ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि पूरे हैंड का जो प्रेशर एकदम से लगेगा और डिस्क जो है लॉक हो सकती है और ये जंप भी खा सकती है आपकी बाइक। दोस्तों जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ब्रेकिंग रेशो। आपने ब्रेक यूज़ करते टाइम जो रेशो जो है वो क्रिएट करनी है। वो रेशो कैसे क्रिएट होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है रियर जो डिस्क है उसको आपने प्रेस करना है बिल्कुल हल्का सा। अगर आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे उसके बाद आपने जो है वो दो फिंगर्स के साथ फ्रंट ब्रेक को दबाना है। अगर आप फ्रंट डिस्क को पहले ले लेते हैं और इसको प्रेस बाद में करते हैं तो जो बाइक है वो सीधा जंप जो है ले लेगी, जो रियर टायर है वो सीधा जो है वो जंप खा के ऊपर आ जाएगा और ये जो है एक टाइप का स्टंटिंग भी हो जाएगी, और ये स्टंटिंग इतनी खतरनाक है कि आपको लग भी सकती है। इसलिए आपने हमेशा गियर रेशियो जो है जो मेंटेन करनी है ब्रेकिंग टाइम केस में। दोस्तों जब आपको लगता है कि आपने ब्रेक को यूज़ करना है और जो बाइक की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 90 या उससे ऊपर है, तो उस टाइम पे जो ब्रेकिंग है वो इतनी काम नहीं कर पाएगी और सफिशिएंट नहीं होगी, तो उस समय आपको गियर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा बाइक की स्पीड को डाउन करने के लिए। तो उसके लिए आप गियर को डालें, डाउन करें, और डाउन करने के साथ ही स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे स्पीड जो है वो ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर आप 90 की स्पीड में बाइक को चला रहे हैं तो सीधा जो है 40 तक जो है वो आप डाउन कर सकते हैं गियर की हेल्प से, और जो 40 से ज़ीरो है वो तो आपको ब्रेक यूज़ करके ही अप्लाई करके यानी आप डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाइक को। लेकिन गियर जो है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन गियर अब डाउन कैसे होंगे वो आपको बताता हूँ मैं। गियर डाउन करते टाइम आपने हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो क्लच है वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल यानी वेट मल्टीप्लेट क्लच। अगर आपकी बाइक में स्लीपर क्लच है तो गियर डाउन करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्लच है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गियर डाउन करते टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्लीपर क्लच जो है बाइक को यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो गियर है वो एंगेज रहेगा इंजन के साथ, और स्लीपर क्लच जो है उससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पार्शली जो है वर्क करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच का ही यूज़ करना पड़ेगा, या वैसी आपके पास बाइक है तो वही आपको जो है स्पीड को डाउन कर सकती है बाइक की। दोस्तों एक्सीडेंट होने का जो सबसे ज़्यादा एक चांस रहते हैं वो होते हैं मोड़ पर, वो भी तीखे मोड़ पर, क्योंकि अक्सर होता पता क्या है जो तीखे मोड़ है ना वहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो है वो बाइक में अप्लाई हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि आपने जो हैंडल है उसको तो मोड़ दिया है। ठीक है, और आपने ब्रेक को भी दबा दिया है, लेकिन जो रियर टायर है वो टेंजेंशियल फोर्स जो है वो अप्लाई हो जाएगी उसमें और वो घूम जाएगा। ठीक है,
दोस्तों जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होने देनी है, ठीक है। अगर आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं एमरजेंसी टाइम में, तो आप जो है वो गियर और साथ में ब्रेकिंग को गलत तरीके से जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आजकल वैसे तो बाइक्स में ABS आ रहा है, CBS आ रहा है, वो उतना अच्छा है कि अगर आप एक बाइक के ब्रेकिंग को ढंग से नहीं यूज़ करते तब भी बाइक जो है वो स्लिप नहीं करेगी, स्किड नहीं करेगी। उसके लिए बजाज ने एंटी स्किड है, होंडा में आपको जो है वो CBS मिल जाएगा, ये सब जो है दिए जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो बाइक है ये NS है, इसमें ABS नहीं है, तो इसमें तो आपको जो है वो ब्रेकिंग को ढंग से ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ABS है तो आपको उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ABS जो है वो अपने आप कंट्रोल कर लेगा अगर स्किड हो रही है बाइक। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ब्रेक को कैसे आपने यूज़ करना है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।